तो बच्चों, अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो आज की आपके लिए वर्कशीट है, तीसरी वर्कशीट, और हिंदी की अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे 9 अप्रैल, है ना। तो जब तक हमारे क्षितिज कृतिका के चैप्टर स्टार्ट होते हैं तब तक हम अपठित गद्यांश की इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे 10 में से 10 पूरे मार्क्स इसमें आ जाए, है ना। तो अपने पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना है अपने सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका जाना पहचाना पुराना आशीष सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और यहां पर आपके लिए मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी लेके आया हूं सॉल्व करके, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपने यहाँ पर समझना है, समझने में ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर तो करवा दूंगा आपको। तो दो सवाल हैं यहाँ पर आपके लिए। पहला सवाल है कि गद्यांश से आधारित है, तो इसे समझते हैं हम। ये डेंगू मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है, तो डेंगू है वो मच्छरों से फैलती है। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पलता है ना, तो ये कहीं गंदगी में, नाले वगैरह में नहीं मच्छर पैदा होता है। वैसे नॉर्मली मच्छर जो होते हैं वो नाले वगैरह में होते हैं, लेकिन जो डेंगू वाला मच्छर है वो साफ पानी में ही पैदा होता है, जो हमारे आसपास एकत्रित होता है, जैसे कूलर में, गमले में, टूटे फूटे बर्तन होते हैं ना घरों में, और पुरानी टायर वगैरह होती है गाड़ी बाइक की टायर, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और उसी पानी में ये मच्छर पैदा होते हैं। और बारिश के दिनों में तो सामान्यतः कई जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश होती है ना तो हर जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा चांस हो जाते हैं डेंगू के बढ़ने के। तो इसीलिए जो डेंगू का ज़्यादा खतरा होता है वो आपके लिए जून जुलाई, है ना, ये वाले महीने होते हैं। तो कई बार तो मई जून जुलाई में डेंगू ज़्यादा फैलता है। अब देखो होता क्या है कि पानी इकट्ठा होता है बरसात में, तो जो मादा एडीज होती है मच्छर, वो क्या करती है, अंडे देती है, और एक ही सप्ताह में इतने अंडे देती है, इतने बच्चे होते हैं कि इसकी नई फौज तैयार हो जाती है, और इनकी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ती है क्योंकि वो मच्छर जो है, मादा मच्छर जो है अंडे देती रहती है, मच्छर पैदा होते रहते हैं, फिर से जो पैदा हुए मच्छर वो भी अंडे देने लग जाते हैं, इनकी संख्या इतनी बढ़ती रहती है, डेंगू जानलेवा बीमारी है। तो प्यारे बच्चों, एक तरफ तो कोरोना चल रहा है, ये भी जानलेवा है, ऊपर से ये डेंगू मच्छर, तो ये डबल डबल है। हमने इस डेंगू को फैलने से बचना है और अपने आसपास को भी बचाना है। इसे बचाव का सबसे आसान सरल तरीका है सावधानी। कुछ भी नहीं करना है, बस हमें सावधान होना है। हम अपने आसपास पानी इकट्ठा ही नहीं होने देंगे, क्योंकि ये खट्टे पानी में पैदा होते हैं, इस मच्छर को पनपने से रोक सकते हैं। अगर हम आसपास कोई टायर न रखें, कोई गमले को इस तरह से न रखें, कूलर को हम इस तरह से अरेंज करके रखें कि उसमें पानी इकट्ठा ना हो, है ना, तो देखो डेंगू को के खतरे को हम कम कर सकते हैं। हमें अपने घर में और अपने आसपास में ऐसे जगहों की पहचान करनी चाहिए जहां पानी इकट्ठा होने का चांस रहता है, तो हमें क्या करना, उसे रोकना है। कहने का मतलब है कि हमें आसपास पानी इकट्ठा ही नहीं होने देना है, कोशिश करनी है। अगर संभव ना हो तो पानी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल डालनी चाहिए। अब देखो गर्मियों में कूलर सबके घरों में होता है ना, और कूलर में पानी भी हम डालते हैं, लेकिन पानी को हम क्या करेंगे, तो वो पानी तो साफ कर नहीं सकते हम, तो उस पानी में हमें क्या करना होगा, मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल, उसी को कहते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें पेट्रोल डाल सकते हैं, तो उस पानी में जो मच्छर हैं वो पैदा नहीं होंगे, और बाकी पानी को ढक के रखेंगे आप। इसे हम न केवल अपना, अपने परिवार का, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी डेंगू से बचा सकते हैं, और अपने इलाके के, अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकते हैं, और एक तरीके से योद्धा बन सकते हैं। तो आपने ज़रूर करना है, डेंगू मच्छर को पनपने से रोकना है, और कुछ ऐसे काम करने हैं जिनसे कि डेंगू ना फैले। तो चलिए, इसके कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, पांच सवाल हैं, 1 2 3 4 5, तो इन पांचों प्रश्नों को देखते हैं और चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। तो चलिए, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, वर्कशीट नंबर 3 क्लास 9। पहला सवाल है, मच्छर, डेंगू के मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, कुछ एग्जाम्पल देने हैं। तो देखो, डेंगू के मच्छर जमा या रुके साफ पानी में होते हैं, पुराने टायरों में होते हैं, घर के कूलर में होते हैं, गमलों में, टूटे फूटे बर्तनों में ज़्यादा पनपते हैं। अब एग्जाम्पल क्या दोगे, तो उदाहरण के लिए घर का कूलर, उसमें पानी होता है और उसी पानी में डेंगू के मच्छर अंडे देते हैं, है ना। दूसरा सवाल है कि बारिश के दिनों
मच्छरों के पनपने का क्या कारण है कि बारिश के दिनों में ज़्यादा मच्छर क्यों होते हैं? बरसात के दिनों में कई जगह पानी भर जाता है, पानी जमा हो जाता है और इसी तरह ये मच्छर उस पानी में अंडे देते हैं और मच्छर जो है बहुत बढ़ने फैलने लगते हैं। तो सिंपल सा है कि पानी ज़्यादा जगहों पर फैल जाता है, रुक जाता है। अगला सवाल है कि डेंगू फैलने का क्या कारण है? तो देखो, सामान्यतः जो मादा एडीज हैं वो मच्छर क्या करती है, अंडों से एक सप्ताह में डेंगू वाले मच्छरों की फौज तैयार कर देती है। इन्हीं मच्छरों के काटने से तेज़ी से डेंगू फैलने का खतरा बना होता है। तो एडीज मच्छर अंडे देती है और वो और तेज़ी से फैलाती है, डेंगू फैलता है। तो उस एडीज मच्छर के काटने से ही डेंगू फैलता है। सभी मच्छर काटते हैं तो डेंगू नहीं होता, बल्कि जब मादा एडीज मच्छर काटती है तो डेंगू होता है। अब डेंगू से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, डेंगू से बचाव के लिए सबसे मुख्य कदम, हमें आसपास पानी जमा ही नहीं होने देना। पानी जमा नहीं होगा, अगर पानी ही जमा नहीं होगा तो ये मादा है तो एडीज जो मच्छर है वो अंडे नहीं दे पाएगी, और अंडे नहीं दे पाएगी तो उससे डेंगू फैलने से बचा जा सकता है, है ना। और पांचवा सवाल है कि अगर आपके आसपास कहीं पानी जमा होता है तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा है, अगर हमारे आसपास कूलर आदि में पानी जमा होता है तो हमें पानी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल डाल देनी चाहिए ताकि डेंगू मच्छर पनपने से बचें, ना पनपे। और कोशिश करें कि सीधा न रखें उनको, बर्तनों को उल्टा रख दें, लेकिन कूलर को उल्टा नहीं रख सकते, इसलिए आप उसमें केरोसिन ऑयल डाल दें। अब देखो, अगला जो सवाल है वो आपके लिए एक्टिविटी है, डेंगू से बचाव के उपायों को दर्शाते हुए चित्र बनाना है। तो चलिए, मैं आपको आपके लिए यहाँ पर एक चित्र लेके आया हूँ, आप इसकी हेल्प से चित्र बना सकते हैं। तो ये देखो चित्र है, बीच में डेंगू मच्छर बना दिया। डेंगू में क्या करें क्या ना करें, तो देखो क्या नहीं करना, क्या करना है, देखो कम से कम हफ्ते में एक बार कूलर और अन्य छोटे कंटेनर में पानी निकालें। तो कूलर में आपने क्या करना है, एक हफ्ते में उसे चेंज करते रहना है। मच्छरों के काटने से बचने के लिए दिन के समय एरोसोल का प्रयोग करना है। छोटे कपड़े नहीं पहने ऐसे, जैसे कि हमारा जो शरीर दिखे, जैसे हाथ दिखते हैं, कई लोग टांगे छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं तो टांगे दिखती है, हाथ ना दिखे टांगे ना, यानी कि फुल कपड़े पहने जो कि पूरे हाथ ढक पाएँ और पैरों को हमारे ढक पाएँ। दिन के समय सोते समय दिन में क्या करना है, मच्छर निरोधक यानी कि मच्छरदानी वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये आप पिक्चर बनाएंगे, कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, और कितने बच्चे डेंगू फैलने से इस अभियान में अपना रोल निभाने वाले हैं, यानी कि आप कूलर को साफ रखेंगे। मुझे कमेंट में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम सहित अपना नाम जरूर लिखेंगे। नई वीडियो में नई वर्कशीट में मिलते हैं, धन्यवाद।